बदलाव यात्रा को जबरदस्त तरीके से हर जगह पर समर्थन मिल रहा है। संसद पे दो ही बार हमला हुआ इतिहास में और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देश को बहुत सुरक्षित कर दिया, देश की सुरक्षा पे तो 56 इंच का सीना बताने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका मतलब देश की सुरक्षा सही हाथों में नहीं है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, बिजली की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की व्यवस्था कभी भी दुरुस्त नहीं हुई। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मैंने कल भी ये कहा था कि एक एम्स की घोषणा, यहां पर पता नहीं कितने साल बीत गए उस घोषणा को, प्रधानमंत्री जी को एक ईंट रखने के लिए समय नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो यहां मेडिकल फैसिलिटीज हैं एम्स के लेवल की जो होनी चाहिए वो यहां के लोगों को आज भी उपलब्ध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि इतने सालों में स्पेशलाइजेशन की कमी की वजह से जिन लोगों की जाने गई, इस पूरे इलाके को जो नुकसान हुआ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपने लोगों के लिए इतना समय भी नहीं है कि एक घोषित हुई योजना के ऊपर वो ईंट रखने के लिए, एक पत्थर रखने के लिए नींव का अपना समय निकाल सके ताकि यहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके? ये सारे प्रश्न इलाके के लोगों के सामने हैं और लोग इस बात से बुरी तरह से त्रस्त हैं कि यहां की साउथ हरियाणा की पूरी राजनीति, अहिरवाल की पूरी राजनीति दो परिवारों के बीच में और दो पार्टियों के बीच में पिस करके रह गई। अब लोग उस चंगुल से बाहर आना चाहते हैं और बदलाव का रास्ता चुनना चाहते हैं, इसलिए बदलाव यात्रा को जबरदस्त तरीके से हर जगह पर समर्थन मिल रहा है। सभी नेताओं के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। संसद में सुरक्षा सेल को लेकर राहुल ने कहा, अखिलेश ने कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि हमको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि संसद पे दो ही बार हमला हुआ इतिहास में और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये तो कहते हैं कि देश को बहुत सुरक्षित कर दिया, देश की सुरक्षा पे तो 56 इंच का सीना बताने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका मतलब उनके सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं, संसद वो जगह है जहां पे पूरा लोकतंत्र बैठता है देश का, जहां पे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं देश के, अगर वहां पर इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, उसके कारण क्या है, उनके मुद्दे क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले इस चीज पे सोचना चाहिए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच अगर संसद में हो सकता है जहां पर सभी चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसका मतलब देश की सुरक्षा सही हाथों में नहीं है। इसका मतलब देश में जो सरकार है वो देश के लोगों को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है पूरी तरह से। ये तो भगवान भरोसे चल रही है देश की सुरक्षा, इसका मतलब तो ऐसा ही नजर आता है। आप सीमाओं को सुरक्षित रखने की बात करते हैं और जब संसद में, जहां पे बिल्कुल दिल्ली में सबसे सुरक्षित जगह पे जहां संसद मौजूद है, वहां पर आप सुरक्षा पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरते, तो ये मोदी सरकार की तैयारियों पर, मोदी सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति, देश के लोगों की सुरक्षा के प्रति उनके जिम्मेदार रवैये पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा मैं एक और विषय है जिस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आजकल ये कह रहे हैं कि 10,000 हरियाणा के युवाओं को इजराइल भेजा जाएगा रोजगार के लिए। एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है जो विदेशों में गए हुए युवाओं को मौका दे रही है कि आप देश में, अपने ही देश में रह करके सरकारी नौकरी करके अपना घर चला सकते हैं, और एक तरफ हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हरियाणा के अंदर युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ रही है, और अब हरियाणा के युवाओं को चलते हुए युद्ध के बीच में, युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर रही है। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी दिखाता है
कि वो देश के अंदर रोजगार पैदा करने में, हरियाणा में रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए हरियाणा के युवाओं को चलते युद्ध में झोंकना चाहते हैं, ऐसी जगह पर भेजना चाहते हैं जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है, जहां पर इस वक्त अस्थिरता का माहौल है, जहां बाकी सभी देशों के जो कर्मचारी हैं वो छोड़ करके चले गए उस इलाके को, ऐसी जगह पर हरियाणा के युवाओं को खेलना चाहते हैं। इसकी बजाय खट्टर साहब को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इन युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में रोजगार। सर, आपके संज्ञान में होगा कि सरकार ने कहा था कि 70% जो स्थानीय युवा हैं स्थानीय रोजगारों में उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी बावल है, दिवाड़ी है, दारोड़ा है, यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखिए, बात तो 75% की हुई थी इस सरकार में, लेकिन वो 75% से भी ज्यादा झूठ साबित हुआ। मैंने इसलिए बार बार ये कहा है कि वादे करने और उनको निभाने में फर्क है। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके गारंटी देने में लगी हुई है, कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी देते हैं, लेकिन उन गारंटी से कितनी लागू होंगी ये समय बताएगा। आज तक का जो इतिहास है वो तो ये है कि ना 15 लाख का वादा पूरा हुआ, ना 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हुआ, और ना ही बाकी सब वादे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो पूरे हुए। एक सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राजस्थान में 450 रूपये का सिलेंडर देंगे, उनके मैनिफेस्टो में था कि सरकार बनेगी तो, अब वहां सरकार बन गई है, वहां के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं 450 रूपये के सिलेंडर का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के गरीब को 450 में सिलेंडर मिल सकता है तो हरियाणा के गरीब को 450 रूपये में सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से सरकार है और राजस्थान में तो अभी अभी उनकी सरकार आई है। दूसरी तरफ राजस्थान में ये कह रहे हैं 2700 रूपये में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। इस बार मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के किसान की जरूरत नहीं है क्या? हरियाणा के किसान का गेहूं 2700 रूपये में जो ये राजस्थान में रेट दे रहे हैं उसमें हरियाणा के किसान का गेहूं क्यों नहीं खरीदती भारतीय जनता पार्टी? ये तमाम सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल। ऐसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार उठा है, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा हरियाणा को उसके हक का पानी? देखिए, जब जब हम SIL के मुद्दे पर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन सभी पार्टियों से जिन्होंने 57 साल तक इस मुद्दे के ऊपर राजनीति की है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे 2-3 मौके आए जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार थी और हरियाणा में भी सरकार थी, क्यों नहीं हुआ इस मुद्दे का समाधान? तीनों जगह एक ही पार्टी के लोग बैठे हुए थे। ऐसा भी मौका आया 2016 में, लेटेस्ट मौका था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों नहीं किया इस मुद्दे का समाधान? अब तो पंजाब के 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा के अंदर रैली में बोल के गए थे कि पाकिस्तान में हमारे हक का पानी बह के जा रहा है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, और मोदी जी इस पानी को रोकेंगे। उन्होंने भरी सभा में कहा था मोदी इस पानी को रोकेगा, 70 साल से बह के जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल से मोदी जी विदेश यात्रा में व्यस्त है या सो रहे हैं, वो पानी रोक करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं। जब घर में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो पिता उसका फैसला कराता है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस मुद्दे पर मुंह मोड़ लेते हैं। जब भी इस पर बैठक होती है प्रधानमंत्री मोदी कभी उसमें हिस्सा नहीं लेते, जब भी इस मुद्दे पर बात होती है प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं। अगर किसी भी राज्य को पानी की जरूरत है, किसी भी राज्य में पानी की कमी है, उसको पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।